दोस्तों आज बताएंगे कि अपराजिता का पौधा हर डिजाइन से लगा सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि अपना पौधा घना कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला आप देखें कि जो हम घना बनाए हैं वो किस डिजाइन से बनाए, और ये डिजाइन हम कुछ दूसरा लुक देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डिजाइन दिए हैं वो देखें, इसे हम चार डंटा नीचे खड़ा किए हैं और चार डंटा ऊपर बांधे हैं, तो ये बहुत ही बूसी हो है और बहुत ही अच्छा डिजाइन में है। और इससे क्या होता है कि पौधा घना के साथ साथ इसमें अधिक गुना फूल इसमें आता है, क्योंकि ये बेल जो है हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, तो कहता है वृद्धि भी होता है और इसका नई नई ग्रोथ भी होता है और इसका विकास बहुत ही अच्छा होता है। तो आज आपको नए लुक में, इस तरह लुक में, जैसे ये लुक है, ये जो लुक देख रहे हैं ये लुक में हम आपको एक गमले में लगा कर दिखाएंगे दो पौधा साथ में। तो यहाँ पर जो दो पौधा हम लिए हैं, एक सादा अपराजिता है और एक जो है ब्लू अपराजिता है, तो दोनों का अलग कलर का है। और देखें कि एक गमला में हम कैसे लगाते हैं, और इसका लुक बहुत ही अच्छा होगा, देखने में भी सुंदर लगेगा, इसमें फूल भी बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मार्केट से लेकर आए थे और ये पुराना पेड़ लेकर आए थे। दोस्तों कभी भी आप मार्केट से यदि अपराजिता का पेड़ लेकर आते हैं तो क्या होता है कि पुराना पेड़ लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर पुराना पेड़ लिए हैं और ऊपर में क्या करेंगे, हम इसका सारा को हटा देंगे, अभी नहीं, जब इसका एक हफ्ता या 15 दिन हो जाएगा गमला में लगाए हुए, जब देखेंगे नई ग्रोथ आ रहा है तो ऊपर से हम क्या करेंगे, पिंचिंग कर देंगे। पिंचिंग करने से क्या होगा, इसका शाखाएँ बहुत ही ज़्यादा निकलेगा। और ये जो देखें, ये हम बीज द्वारा से घर में ही लगाए हैं, तो ये ब्लू अपराजिता है, बहुत ही सुंदर हुआ और इसका जड़ भी बहुत ही अच्छा आया। आप देख सकते हैं जड़ कितना अच्छा इसमें आ चुका है केवल बीज द्वारा से। यदि अपराजिता का, ये अपराजिता का बीज हमारा वाइट नहीं था, इसके कारण से हमें लेकर आना पड़ा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक 12 इंची का गमला लिए हैं और 12 इंची के गमला में हॉल भी बहुत ही अच्छा किए हैं, और यहाँ पर एक ये दिए हैं टिकरी, और इसमें कुछ सामान देंगे, जैसे कि हमारा ये सड़ा हुआ केला है, अनार है और संतरा का छिलका है, ये हमारे घर का जो फूल निकलता है वो है, ये सूखा हुआ केले का छिलका है, ये आलू का छिलका है सूखा हुआ है, तो ये सबसे हम नीचे देंगे। और इसमें मिट्टी हमारा क्या होगा कि भूसी बनेगा, और जो कहते हैं ना आप लोग के मिट्टी हमारा सख्त हो जाता है, तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो मिट्टी आपका कभी भी सख्त नहीं होगा, उपजाऊ होगा। तो हम यहाँ पर घर का जो गमला के मिट्टी है, पुरानी मिट्टी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसी के कारण से ये सब हम डाले हैं, और ज़्यादा मिट्टी भी हम नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिट्टी डाले हैं, थोड़ा सा मिट्टी डालकर इसे हम इसमें डालेंगे। और कभी भी आप दो पौधा साथ में लगाएं तो आपको क्या करना है, साइड में रखना है, जैसे कि हम यहाँ पर ही साइड में रख रहे हैं इस तरह से, और फिर इसका ऊपर एक डिजाइन देंगे जो उसमें आपका बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगेगा गमला। तो यहाँ पर हम इसे निकाल देते हैं, इस कैरी बैग को, क्योंकि ये कैरी बैग में अच्छा से इसका विकास नहीं हो रहा है, और लाया हुआ कम से कम हमें लगता है कि 15 दिन से ऊपर हो चुका है ये वाला। मिट्टी देखिए, नदी का मिट्टी रहता है, पूरा चिपचिप मिट्टी रहता है, तो ये मिट्टी में बिल्कुल ही विकास नहीं होता है। और नर्सरी वाले लोग क्या करते हैं, इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा सोख के रखता है, इसके कारण से ये मिट्टी का यूज ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी इसमें दे देते हैं, और जब भी आप सुबह करते हैं तो इसे छायादार जगह में रखें, क्योंकि अभी काफ़ी अभी धूप आ रहा है। और ये देखें, ये हम कैरी बैग में कैसे लगाए थे, इसमें जड़ कितना अच्छा आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो खर पतवार है इसे निकाल दिए हैं, और बिल्कुल इसे क्या करेंगे, थोड़ा मिट्टी यहाँ ज़्यादा देंगे, ताकि ये पेड़ बड़ा था इसके कारण से हमें अंदर देना पड़ा। यहाँ देंगे इस तरह से देने के बाद हल्का सा आप ये बॉल को तोड़ दें अच्छा से,
जड़ अच्छा से फैल पाए। हम मिट्टी दाब कर नहीं दे रहे हैं, हल्के हल्के मिट्टी दे रहे हैं यहाँ पर, इसलिए दाब के नहीं दे रहे हैं कि यदि दाबेंगे तो मिट्टी ज़्यादा लगेगा और हमारा मिट्टी जो है दब जाएगा। अभी दबाना नहीं है क्योंकि पानी जब हम देंगे तो मिट्टी अपने आप नीचे की ओर बैठेगा। यहाँ पर इस तरह से मिट्टी दे दिए, अब इसमें जो पानी देंगे और ये जो डिजाइन हम किए हैं, ये जो हम डिजाइन किए हैं इसकी ऊपर से जो हमारा लता होगा अपराजिता का, जब इसमें आपका इसमें लपटा जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत इसमें एकक जब फूल निकलेगा तो बहुत ही अच्छा लुक होगा इसका। तो हमें इस तरह से डिजाइन करके क्या करेंगे, इस गमले में दे देना है। और आप तार से बना सकते हैं, जैसे कि हम घर में तार से बनाए हैं, और नारियल का छिलका का इसमें हम लपेट दिए हैं इस तरह से। और ये जो देख रहे हैं ये बड़ा हो गया है, तो इसे क्या करेंगे, कुछ दिन के बाद यहाँ से इस जगह से हम कटिंग कर देंगे। जब हम कटिंग यहाँ से करेंगे तो बहुत ही सुंदर इसमें हमारा शाखाएं निकलेगा और एक इसकी ओर जाएगा, और जो ये ब्लू वाला है ये एक इसकी ओर जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। जब शुरुआत में आप पौधा को घना करना रहता है तो छोटा ही से हम इसे जो भी लुक देंगे लता वाला में तो वो अपना लुक में आ जाता है, तो ये छोटा ही से करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और ये जो लग रहा है कि आपको लप रहा है, तो जब ये मिट्टी अच्छा से पकड़ लेगा तो ये आपकी इस टाइप से नहीं गिरेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। यदि आपको लगता है कि ये हमारा लप रहा है तो ये दोनों साइड आप कुछ पत्थर दे दें ताकि आपका सपोर्ट में रहेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये लुक आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।